hello bachcho let's read the question and the question says that a square metal wire loop of side 10 cm and resistance 1 ohm is moved with constant velocity v0 in a uniform magnetic field induction b is equal to 2 weber per meter square as shown in the figure the magnetic field lines are perpendicular to the plane of the loop directed into the paper the loop is connected to a network of resistors each of values 3 ohm वट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप सो एज टू है इन द लूप गिव द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द लूप तो यहाँ सवाल में बोल रहा है कि एक स्क्वायर लूप है और उसका साइड जो है गिवेन है जो है टेन सेंटीमीटर और इसमें रेजिस्टेंस गिवेन है वन ओम और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वी नॉट और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है जो ना टू वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला और इस लूप को जो है नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस से कनेक्ट किए हैं जिसका तीन ओम मैग्नीच्यूट है सबका तो सवाल में पूछा गया कि स्पीड ऑफ द लूप जो है कितना होना चाहिए ताकि जो करंट फ्लो करे वो वन मिली एम्पियर हो और इसका डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप निकालना तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा कॉन्सेप्ट वो है कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू वी बी एल होता है तो यहां सबसे पहले देखते हैं ये जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है तो इसका अगर हम इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये तीन ओम है ये तीन ओम है और ये हमको देखने से जो, 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 समझ में आ रहा कि वीट है कि वीड ब्रिज है एसी बीच में है ना तो ये ब्रिज हो गया तो ब्रिज अगर हुआ तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया तीन और तीन ओम उसी तरह नीचे का जो तीन ओम दो है वो दोनों मिलाकर के ओम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में यानी कि अगर हम इसका ये बनाएं तो तीन ओम और तीन ओम मिलकर ओम हो जाएगा यानी ये सिक्स ओम ये भी सिक्स ओम तो अब ये दोनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस अगर निकाले तो ये दोनों अब जो है वो पैरल में तो पैरल में जो है ना वन बाई थ्री उल्टा कर देंगे तो ओम ऐसे भी जानते कि दो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरल में कनेक्टेड है तो इक्वल इक्वाल रेजिस्टेंस हो जाता है तो अब अगर हम इसमें देखें तो EMF निकालते हैं पहले इसमें जिन कितना जनरेट हुआ EMF? तो अगर ई एम एफ अगर निकालें तो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू होता है वीबीएल ठीक है तो वी का वैल्यू हमको निकालना है बी का वैल्यू दिया था टू और लेंथ गिवन था Uh, जो 10 सेंटीमीटर ठीक है लेंथ गिवन था कितना यहां 10 सेंटीमीटर तो 10 बाय 100 कर देते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 है ना अब पूरा सर्किट का अगर रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ ये था 3 ओम और जो लूप का रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम है ना तो जो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल रजिस्टेंस इज उकल टू हो जाएगा आर इज उकल टू उधर था तीन ओम और प्लस लूप का ओम रेजिस्टेंस हो गया अब ओम लॉ के हिसाब से जानते हैं ई उकल टू आई टाइम्स आर होता है तो आई का वैल्यू जो गिवन वन मिली है वन तो दी पावर माइनस थ्री एमपियर है ना तो ई e का वैल्यू लिख सकते हैं I times टाइम्स आर into 10 to the power minus थ्री into फोर और E का वैल्यू 0.2 वोल्ट है ना 0. Uh, जो 2v यहां यहाँ है तो V का वैल्यू यहां से निकालेंगे अगर तो one into 10 to the power minus थ्री into फोर टू into टेन ये हो जाएगा टू टू तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टू इंटू टेन टूर माइनस टू हो जाएगा यानी मीटर पर तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो टू सेंटीमीटर पर सेकेंड हैंस द फाइनल आंसर इज द वेलोसिटी ऑफ द लूप विल बी टू सेंटीमीटर पर सेकेंड होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक